हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। माय नेम इज जिमी और आप देख रहे हैं टॉक्सिक मार्वल यूट्यूब चैनल। तो यार फाइनली थोर लव एंड थंडर का ट्रेलर आ गया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मतलब इतना डिले और इतना इंतजार कराने के बाद फाइनली आ ही गया। तो ज्यादा बकवास ना करते हो, इसके बारे में बात शुरू करते हैं। तो यार ट्रेलर शुरू ही होता है किसी छोटे से बच्चे के साथ और शायद ये लिटिल थोर ही होगा। उसके बाद हमें गोल्डन ब्लू सूट वाला थोर बताया जाता है जो कि शायद हमारा ही थोर है। फिर हमें दिखता है हमारा थोर ये बताना कि चाहते हैं पेड़ के सहारे में उसकी पूरी जर्नी जो कि हम देख चुके हैं। उसके बाद एक और नए सूट में हमें थोर दिखता है और ये सूट भी बहुत अलग सा ही लग रहा है, लेदर वाला बिल्कुल ब्लैक सूट। फिर थोर हमें स्टॉर्म ब्रेकर को उगाता हुआ नजर आता है, पता नहीं ग्रूट की याद में या किसी और की याद में, और ऐसा लग रहा है कि वो पूरी तरीके से भूल चुका है कि वो एक गॉड है, तो इसीलिए वो फिर से बॉडी बनाता हुआ नजर आता है, वो भी किसी बड़े से कंकाल के सामने जिसे जंजीर से पूरी तरीके से जकड़ रखा है। अब यार एसगार्ड तो रहा नहीं, एसगार्ड तो धरती पर है और धरती पर इतना मानुष मिलना कोई आम बात नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये कोई और प्लेनेट होगा। और क्योंकि थोर जब गार्डियंस के साथ है तो वो अलग अलग प्लेनेट पे जाते ही रहते हैं। और फिर अगले ही शॉट में हमें गार्डियंस भी दिखाए जाते हैं जिन्हें थोर अपनी बनाई हुई बॉडी दिखा रहा है फिर से। फिर ऐसा लगता है कि वो सब फाइट की तैयारी करने जा रहे हैं पर थोर नहीं जा रहा, पता नहीं किसकी याद आ रही है, जेन फोस्टर की या छोड़ो। फिर वो गार्डियंस को लात मार कर भगा देता है, जाओ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। फिर हमें नई जगहें दिखाई जाती है जिसमें नाव उड़ रही है और काफी सारे घर भी उड़ रहे हैं और उस नाव में हमारा थोर जैक स्पैरो बन बैठा है। फिर वहाँ नाव पर नीले बालों वाली एक मोहतरमा आती है और फिर थोर अर्थ को देखता है और स्टॉर्म ब्रेकर में से भी कुछ नई पावर दिख रही है, शायद इसकी कोई नई पावर हो। उसके बाद हमें काफी सारे थंडर के साइन दिखाए जाते हैं जो कि इधर उधर उड़ रहे हैं और उसे एक आदमी पकड़ लेता है। अब वो मुझे अगले यूनिवर्स का थोर लगा क्योंकि यार थोर ही तो है गॉड ऑफ थंडर और इस मूवी में तीन थोर होने वाले हैं। और फिर गोल्डन ब्लू वाला सूट पहनकर हमारा थोर इस पत्थर से तालियां लेता है। फिर हमें अगले सीन में गॉडज़िला जैसा मरा हुआ कुछ दिखता है, अब तो पक्का ये अर्थ नहीं है, ये दोनों किसी और प्लेनेट पर गए होंगे। और यार इस ट्रेलर को देखकर तो लगता है इस पूरी मूवी में थोर हर जगह घूमता ही रहेगा अपनी जेन फोस्टर के लिए। छोड़ो अभी ट्रेलर की बात करते हैं। तो फिर हमें अगले सीन में न्यू एसगार्ड बताया जाता है जो कि इतना जल्दी डेवलप हो चुका है कि तो लग ही नहीं रहा कि ये अर्थ पर होगा। इसमें नाव उड़ रही है, मुझे तो नहीं लगता ये अर्थ पर होगा, ये किसी और ही यूनिवर्स का न्यू एसगार्ड है। उसके बाद वो वॉल्करी हमें किसी ऑफिस में दिखाई जाती है जिसमें डीप डिस्कशन हो रहा है। उसके बाद मैं तो समझा कि ट्रेलर खत्म हो गया, पर उसके बाद आता है जिसे मैं कब से ढूंढ रहा था, जेन फोस्टर म्योनेर वाला शॉट। यार ये शॉट मुझे पूरे ट्रेलर में कहीं नहीं दिखा, यार इसी शॉट का मुझे पूरे ट्रेलर में इंतजार था और फाइनली ये दिख ही गया। तो यार मूवी में बहुत ही कम टाइम बचा है और मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसी ट्रेलर को देख के। तो यार वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।